हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सैमसंग की तरफ से आने वाला A34 5G स्मार्टफोन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सैमसंग ने दो फोन लॉन्च किए अभी, A34 एंड A54। दोनों की लुक सिमिलर सी है और A54 का मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेरियंट्स के बारे में। इसमें आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, 6128 एंड 8128 एंड 8256। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो आपको 28999 में मिलने वाला है ये, और अगर आप ऑफर वगैरह लगा लेंगे तो आपको 26K का ये होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इसका डिस्प्ले में जो बेजल्स की अगर हम बात करें तो बेजल्स काफी कम है, इतने ज्यादा नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर मैं बात करूं इसको आउटडोर में अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा 1000 निट्स का ब्राइटनेस लेवल मिलने वाला है। आप आउटडोर में भी इसको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर भी मिलता है, और आप अगर वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओवरऑल आपको एक बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और टाइप C2C केबल के साथ ये फोन आता है, और 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। हालांकि इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता, बट 25 वॉट मुझे काफी कम लगा इस बजट के अकॉर्डिंग। सैमसंग को इसमें काम करने की जरूरत है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला 1080 2.6 GHz प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड है, और अंततः स्कोर जो है इसका 470,000 के करीब आपको देखने को मिलता है। काफी स्टेबल प्रोसेसर है, आपको डे टू डे एक्टिविटी के साथ अच्छी खासी गेमिंग भी ये करवा देगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है, और इसमें एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, और इसमें ब्रांड जो आपको 4 ईयर का मेजर अपडेट देने वाला है, और 5 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी यहाँ देखने को मिलता है। काफी अच्छी बात है सैमसंग की। हम बात करें इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। इसकी साउंड क्वालिटी काफी डिसेंट सी है, और इसमें 3.5mm का जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वॉइस फोकस का जो नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, आप अगर क्राउड वगैरह में यूज करेंगे इसको तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लो देखने को मिलता है, और जो इसका वेट है वो 198 ग्राम अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है, और ये फोन OIS के साथ आता है। और अगर हम बात करें इसके सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, थोड़ा सा मुझे कम लगा, 16 तो होना ही चाहिए था। बट ओवरऑल अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो काफी अच्छी और स्टेबल इमेज आपको निकाल के देने वाला ये फोन, काफी अच्छा कैमरा है इस फोन का। और बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे आप, फ्रंट से भी एंड रियर कैमरा से भी, दोनों से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, और इसका जो पोर्ट्रेट मोड वगैरह है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फोन की तो आपको डिस्प्ले काफी अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है, और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलने वाला है, और प्रोसेसर भी यहाँ पे काफी अच्छा मिलने वाला है। बट थोड़ा सा मुझे जो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग है वो काफी कम लगा इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। सैमसंग को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। ओवरऑल आपको अगर एक सैमसंग का फोन चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। मुझे A54 जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस फोन लगा, आप चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।